नमस्कार छात्रों, बीए तृतीय वर्ष तृतीय प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तृतीय प्रश्न पत्र हिंदी की क्षेत्रीय भाषा साहित्य में ब्रज भाषा साहित्य के अंतर्गत आज की कक्षा का प्रकरण है जगदीश गुप्त द्वारा रचित छंद शती की व्याख्या का भाग एक। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि छंद शती 100 छंदों की एक सुंदर रचना है जिसमें डॉक्टर गुप्त द्वारा ब्रज भाषा के सभी कवियों को श्रद्धांजलि देने हेतु उनकी प्रशस्ति की गई है। तो इसमें सूर, तुलसी, मीरा, भारतेंदु, हरिश्चंद्र आदि प्रमुख कवियों की प्रशस्ति की गई है। तो चलिए देखते हैं छंद शती की व्याख्या का पहला छंद। चीरन चीर दले मले कंज मिटी न तऊ मन की अभिलाखे। कि इस छंद में कवि मंगलाचरण प्रस्तुत कर रहा है। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमारे भारतीय साहित्य परंपरा में अपने ग्रंथ की सफलता हेतु, अपने ग्रंथ की निर्बाध रचना हेतु अपने इष्ट से प्रार्थना की जाती है, तो उसे मंगलाचरण कहते हैं। तो प्रत्येक कवि अपनी रचना का पहला छंद जो है वो अपने आराध्य को समर्पित करता है। तो इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए डॉक्टर जगदीश गुप्त ये छंद मंगलाचरण के रूप में रच रहे हैं जिसमें वे ज्ञान की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती से निर्मल बुद्धि प्रदान करने की याचना कर रहे हैं। वे कहते हैं चीरन चीरी तले मलकंज, कि वे स्वयं को हंस बताते हुए कह रहे हैं कि हे माँ, इस हंस ने अपने वस्त्रों को चीर अर्थात वस्त्रों को चीर करके दले अर्थात मले कंज अर्थात नेत्र, कि वे कह रहे कि इस हंस ने अपने वस्त्रों को चीर कर उनसे अपने कमलवत नेत्रों को साफ किया ताकि उसको सभी कुछ स्पष्ट रूप से दिख सके। मिटी न तऊ मन की अभिलाखे, लेकिन उसके पश्चात भी उसका मन निर्मल नहीं हो पाया, उसके मन से अभिलाषाएं नहीं मिट पाई। नोच के हार ते मुख तक गही चोच में मूंदे रहो दो आंखें। कि उसके पश्चात हंस ने क्या किया कि गले में पड़े हुए मोती के हार से मोतियों को नोच कर चोच में दबा लिया और दोनों आंखें मूंद ली। देखिए आप ही अंब कहाँ लगे रावले वाहन के गुण भाखे। कि हे माता, अब आप ही देखिए कि मैं कहाँ तक आपके इस अनोखे वाहन के गुणों का वर्णन करूं। बीन के तारन में उर्जी सुरझाई ये बीन मराल की पांखे। कि आप जो है वो कुछ कृपा दृष्टि करिए, क्योंकि आपकी सवारी हंस के गुणों का गान मैं भला किस प्रकार किस तरह से करूं, कि मेरी जो जिह्वा है ये भी इतने सामर्थ्यवान नहीं है जो आपके वाहन के गुणों का वर्णन कर सके। तो आपकी वीणा के तारों में इस हंस अर्थात कवि अर्थात मेरे पंख उलझ गए हैं और आप ही इन पंखों को सुलझा सकती हैं जिससे यह हंस अर्थात कवि कल्पना लोक में स्वतंत्रता पूर्वक विहार कर सके, अर्थात अपनी मन की भावनाओं को शब्दों के रूप में बिना किसी बाधा के बिना किसी संकोच के व्यक्त कर सके। अर्थात माँ सरस्वती की कृपा के बिना इन सांसारिक अभिलाषाओं से बाधाओं से मुक्ति नहीं मिल सकती, यही भाव प्रकट कर रहा है कवि यहाँ पर। तो विशेष यदि हम देखें तो इस छंद को मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है जिसमें माँ सरस्वती से कृपा की आकांक्षा प्रकारांतर के द्वारा प्रस्तुत की गई है। और यह सवैया छंद है, इसमें सरल तथा सहज ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है तथा रूपक और उदाहरण अलंकारों का प्रयोग किया गया है और बड़ी ही सुंदरता के साथ माँ सरस्वती के वाहन हंस की प्रशंसा प्रस्तुत की गई है तथा माँ सरस्वती से बुद्धि को निर्मल करने की कृपा दृष्टि की याचना की गई है कवि के द्वारा। अब अगला छंद देखते हैं तो कवि जगदीश गुप्त कह रहे हैं कि रीति सने ही रसाल दई रत्नाकर अंगन में लहराने। कि यहाँ पर कवि
ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवियों की प्रशस्ति कर रहा है। वे कह रहे कि रीति स्नेही रसाल दई कि इस छंद में कवि जगदीश गुप्त अपने द्वारा किन किन कवियों से प्रेरणा पाई गई है ब्रज भाषा में कविता करने के लिए, उन सभी कवियों की प्रशस्ति कर रहे हैं, उन सभी कवियों का वर्णन कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ब्रज भाषा काव्य की रीति मुझे ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि गया प्रसाद शुक्ल स्नेही तथा रमा शंकर रसाल द्वारा प्राप्त हुई है। कि जैसा हमने पहले भी पिछली कक्षा में देखा था कि उन्होंने स्नेही जी के साथ कानपुर प्रवास के दौरान ब्रज भाषा में रचना करने की प्रेरणा प्राप्त की थी, तो उसी तथ्य को यहाँ कवि जो है स्वीकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ब्रज भाषा में कविता करने की रीति मुझे स्नेही तथा रसाल द्वारा कवियों से प्राप्त हुई है और रत्नाकर अंगन में लहराने और ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर मेरे अंग प्रत्यंगों में लहरा करके मुझे ब्रज भाषा की ओर प्रेरित कर रहे हैं। हौसन में हुल से हरिचंद जो प्राणन में पदमा कराने और मेरी आधुनिक काल के कवि बाबू हरिश्चंद्र मेरी इच्छाओं में प्रकट हुए हैं तथा मेरे प्राणों में रीतकालीन कवि पद्माकर सक समा गए हैं। नैनन बीच घिरे अनना घन आनंद और मेरे नेत्रों के बीच रीतिकाल में रीति मुक्त काव्य धारा के सुप्रसिद्ध कवि घनानंद बस करके रह गए हैं। और बैन सुजान बिहारियों जाने और चतुराई पूर्वक अपनी वाणी को लोगों के सामने रखने की कला मैंने बिहारी से सीखी है जो कि भाषा के कुशल चितेरे माने जाते हैं। देवल देवल से ही ये देवल और देव के समान रीतिकालीन कवि मेरे हृदय रूपी मंदिर में सुशोभित हो गए हैं। देवल देव यानी देव के समान देवता मेरे देवल अर्थात हृदय रूपी मंदिर में समा करके रह गए हैं। और मोमति में मति राम समाने और मेरी मति में अर्थात मेरी बुद्धि में तो मति राम ने आधिपत्य कर लिया है कि मेरी बुद्धि में तो मति राम समा करके रह गए। इस तरह इन कवियों की काव्य प्रेरणा से मैं आज ब्रज भाषा में इस ग्रंथ की रचना करने में समर्थ हो पाया हूँ। तो इस छंद में यमक एवं रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा का प्रयोग है तथा सवैया छंद है और सभी आधुनिक काल तथा रीति काल के कवियों का नाम यहाँ पर प्रेरणा स्रोत के रूप में लिया है कवि जगदीश गुप्त जी।